अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आरिफ हसन, ए बी हसन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड बेरेटाउन कराची से। व्यूअर्स, आज हम आपको विजिट करवा रहे हैं, स्ट्रीट व्यू दिखा रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट बताएंगे प्रिसेंट 4 के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिसेंट 4 जो है वो 500 गज़ के प्लॉट से मुश्तमिल है, और प्रिसेंट 4 की अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करते हैं तो मेन गेट से तकरीबन आपको 2 से 3 किलोमीटर पे मौजूद है। उसकी एंट्रेंस जो है वो जैसे आप मेन गेट से इंटर होंगे, थीम पार्क से आप जैसे लेफ़्ट साइड पे आएंगे, सामने आपको प्रिसेंट 4 की एंट्रेंस मिलेगी। तो अगर हम उसके अलावा प्रिसेंट 4 की इंटरनल जो इस टाइम यहाँ पे करंट डेवलपमेंट क्या स्टेटस है उसके हवाले से बात करते हैं, तो बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रीट नहीं है जहाँ पर कोई विला इस टाइम या उसकी डिगिंग ना हो या उसका काम नहीं चल रहा हो। बहुत सारे विलाज यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बहुत सारे विलाज यहाँ पे सेल परचेज़ के लिए मौजूद हैं, और बहुत सा जो पोर्शन है प्रिसेंट 4 का वो लेवल प्लॉट्स पर मुश्तमिल है। बहुत कम ऐसे हैं जो डिप्रेशन के प्लॉट्स हैं, लेकिन जहाँ डिप्रेशन के प्लॉट्स हैं लेकिन उनकी एक अच्छी आइडियल व्यू भी बन रही है। यहाँ प्रिसेंट 4 में एक बारानी नाला है, उस साइड पे आपको ज़रा डिप्रेशन के प्लॉट्स मिलेंगे, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे एक ग्रीनरी का एक खूबसूरत व्यू आपको नज़र आएगा। जो डैम है, मिनी डैम, उसकी एक ओवरऑल जो लुक है वो आपके घर से बहुत बेहतरीन नज़र आएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं इस टाइम रोड 5 से गुजर रहा हूँ, और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो विलाज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो बहरिया टाउन के हवाले से आपको पता होगा कि बहरिया में जितने भी प्रिसेंट्स हैं, स्पेशली वहाँ पे जो एलिवेशन है, गेट का डिज़ाइन और आपका बाहर जो एक्सटर्नल जो डिज़ाइन है वो सब विलास का सेम होगा। सब विलास के अलावा ऐसा कि जो स्ट्रीट में एक स्ट्रीट में एक जैसे घर होंगे, तो ये इनकी बहरिया टाउन कराची का स्टैंडर्ड है। बाकी इंटरनली आप 5 बेड का भी बना सकते हैं, 6 बेड भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप 4 बेड बनाना चाहें तो हम इस टाइम प्रिसेंट 4 के एक हाइड लोकेशन पे खड़े हैं। बिल्कुल सामने आप ब्रिज देख सकते हैं प्रिसेंट 4 का। प्रिसेंट 4 बिल्कुल इस ब्रिज के बाद, बारानी जो नाला है उसके बाद भी प्रिसेंट 4 की एक लोकेशन आ रही है। उस साइड पे ज़रा प्राइस रेंज की हम बात करें तो यहाँ के मुकाबले में वहाँ पे आपको 5-10 लाख तक सस्ता प्लॉट मिलेगा, क्योंकि इसकी जो लिंक है प्रिसेंट 4 का वो मिडवे कमर्शियल है और एंट्रेंस के साथ होने की वजह से यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। और बिल्कुल सामने आप 6 देख सकते हैं, प्रिसेंट 6 में अच्छे खासे घर बने, और उसके साथ आप प्रिसेंट 4 का अपना लिबर्टी कमर्शियल, जो प्रिसेंट 4 का कमर्शियल बेल्ट है उस पर आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है। बैक साइड पे आपको प्रिसेंट बी, मिडवे कमर्शियल बी के प्लॉट्स जो बिल्डिंग्स है वो नज़र आ रही होंगी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो खाली प्लॉट और फिर जहाँ पे विला बना हो उसमें आप कंपेरिजन चेक कर सकते हैं कि जो घर बनेगा आपका वो किस डिज़ाइन का बनेगा। तो अभी इसके साथ साथ मैं ओवरऑल आपको एक प्राइस रेंज बताता चलूं कि यहाँ पे अच्छा प्लाट आपको तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के दरमियान नॉर्मल सा अच्छा प्लाट ऑन ग्राउंड विथ अलाटमेंट आपको मिल रहा है। तो बाकी जाहिर सी बात है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतने कैटेगरी से बढ़ेंगे कि आपका जो है वो रोड का प्लॉट होगा, पार फेसिंग होगा, या उसमें एक्स्ट्रा लैंड ज़्यादा होगी, 500 से ज़्यादा होगा, 550-600 तक भी आपका प्लॉट होगा, फिर उसकी वजह से उसकी प्राइस रेंज चेंज होगी। तो बाकी जो रेडी विलाज हैं, ये जो विलाज आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको अपना जो आप घर लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन आपको प्राइस रेंज मिलेगा 6.5 करोड़ से लेके 7-7.5 करोड़ का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और प्राइस रेंज जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाती है। तो आजकल अगर देखा जाए तो ओवरऑल बहरिया का जो मार्केट है वो काफ़ी डाउन है इस टाइम। अगर कोई जो इन्वेस्टर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सजेशन है कि आप मार्केट विज़िट करें और ये एक अच्छी बाइंग टाइम है। तो प्रिसेंट 4 के अलावा भी अगर आप बहरिया टाउन में कोई 500 गज़ का प्लॉट या विला लेना चाह रहे हैं, या आपके पास आप बेचना चाह रहे हैं, या आपका प्लॉट आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहरिया टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।